विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है? संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। नारायण नारायण हरि नारायण। अद्भुत, अति उत्तम। आपके द्वारा दिए गए इस प्रभु प्रसाद का सेवन करके परम तृप्ति का आभास हुआ। नारायण नारायण। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धाम पुरी में प्रभु के लिए परोसती है। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया था। क्या क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए, उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा, स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित इसे ही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चक भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल?
नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चक्कर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज देवर्षि आए हैं। आपके महाभोग के आस में स्वामी। क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता है, आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा, इसे कैसे छोड़ सकता हूं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना, इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं, फिर वही होगा। अब क्या करूं? तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा, कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं, हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद? वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते, महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चक भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना,
मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद। किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है? करना पड़ता होगा माते, इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। सहस्रम च भूमि गार्ग्य महामते महालक्ष्म्या महादेव्या भुक्ति मुक्त्यर्थ। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी प्रभु के मंदिर में उनका भोग इसी प्रकार तैयार किया जाता है। किंतु भोजन सभी पात्रों में एक साथ पककर तैयार हो जाता है। अद्भुत। देवश्री नारद ने भी जब ये देखा तब वो चकित रह गए भैया। अविश्वसनीय, अद्भुत। इतनी अद्भुत विधि से पकने वाला भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो महाभोग चखने की मेरी ये लालसा और भी बढ़ गई। माते, भोजन नहीं तो कोई और सेवा का अवसर दीजिए। आपके इस पुत्र का मन नहीं भरा है माते, एक अवसर दीजिए सेवा का। तो फिर पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित करके ले आइए। अवश्य माते, अवश्य। माते, बेलपत्र। माते, माता कहाँ गई? भोजन के पात्र भी यहाँ नहीं और चूल्हा भी शांत हो गया है। माते, ये बेलपत्र। माता, क्या प्रभु ने आज का महाभोग ग्रहण कर लिया? देवर्षि, कुछ पाने के स्वार्थ में सेवा करना कभी उचित नहीं, और आप जो प्रभु का महाभोग पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो पाना आपके लिए संभव नहीं। नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करके मन तृप्त करना चाहता हूँ। बेलपत्र, अन्यथा कोई सेवा हो तो अवसर दीजिए माते। चंदन। अवश्य माते। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। क्या हुआ देवर्षि, अचानक हरि नाम छोड़कर आप मेरा नाम जपने लगे? माते, आपके नाम में हरि का नाम भी है और हरि के नाम से आपका नाम कहाँ मिला गया, दोनों एक ही तो है। माते, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपको चंदन का लेप चाहिए या चंदन की लकड़ी। मैं दोनों ही ले आया। इतनी सेवा तो आप किसी आशय से ही कर रहे हैं देवर्षि। बताइए, क्या है आपके मन में? माता से क्या छुपाना? माता की सेवा मैं क्यों कुछ छुपाऊं? बस निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, मन तृप्त होता रहे, यही प्रार्थना है और यही आशा है। इस प्रकार देवश्री नारद माता की सेवा करते रहे और प्रतिदिन जब भी माता उनसे प्रश्न करती, देवश्री वही उत्तर दोहरा देते। और नारद जी ऐसा अगले 12 वर्ष तक करते रहे। 12 वर्ष? और इस पूरी अवधि में माता लक्ष्मी को भी पता था कि देवर्षि नारद उनकी सेवा किसी कारण से ही कर रहे हैं। तो एक दिन, माते, ये माला में संसार के विभिन्न पुष्पों से बना के लाया हूँ आपके लिए। नारायण नारायण। मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, आपकी निष्ठा, आपके संकल्प की दृढ़ता से प्रभावित भी हूँ।
इसलिए जो भी आपके मन में है वो बिना संकोच किए बोलिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। माते, एक भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या आशा होती है? बस प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्रसाद प्राप्त होता रहे। मेरी भी यही इच्छा है माते, कि मुझे प्रभु का प्रसाद प्राप्त हो। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। किंतु माता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता। यदि यह संभव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना दे के शांत कर दूं। पुत्र ने इतने वर्षों से सेवा कर जो मांगा है उसे पूर्ण करने का प्रयास माता का धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगी। आप कल सुबह प्रभु के महाभोग के समय यहाँ पधारिए। पंडित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है मामा। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं? फिर क्या हुआ गणेश जी? नारद जी ने जो इच्छा व्यक्त की उससे वो स्वयं भी चिंतित थे और माता भी दुविधा में थी। वैसी ही दुविधा जो किसान को होती है, उसके घर में जल टपकता है फिर भी वो वर्षा की आस करता है। माता लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उनका वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री हरि नारायण को विवश करना हो, ना ही वो अपना वचन तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए प्रभु से पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। वचन देकर उसे भंग करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। क्या हुआ प्रिय, किस चिंता में हैं आप? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी अर्धांगिनी है आप, आपकी चिंता और आपकी दुविधा मेरी भी चिंता और दुविधा है। इसलिए अब शीघ्र ही मुझे बताइए, कहिए ना प्रिय, क्या बात है? मैंने एक भक्त को वचन दिया है स्वामी, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वो मैं आपसे साझा करूं, उसके पहले मुझे आपसे भी एक वचन चाहिए कि आप विवश होकर उस वचन को पूर्ण नहीं करेंगे, अपितु इसलिए करेंगे कि उसी में सबका हित है। कौन है वो भक्त? देवर्षि नारद? हाँ प्रभु, उनकी इच्छा है महाभोग की प्राप्ति। जो आज तक सृष्टि के रचयिता को नहीं मिला, जिसके लिए मैं अपने आराध्य महादेव को मना करता रहा, वो महाभोग। स्वामी, मेरे कारण आपको कोई नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद से क्षमा मांग लूंगी और उन्हें समझा भी लूंगी। नहीं प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी चिंता मेरी भी चिंता है, उसी प्रकार आपका वचन मेरा भी वचन है। मैं अनुमति दूंगा, देवर्षि नारद मेरा महाभोग ग्रहण कर उसका पाचन भी कर सकेंगे। किंतु देवी, आप उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा भोग खिला सकती हैं, क्योंकि यदि मैंने स्वयं अपने हाथों से देवर्षि को भोग दिया तो ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही कुपित होंगे, क्योंकि देवर्षि नारद इस बात को गुप्त नहीं रख सकेंगे, चारों ओर इसकी चर्चा करेंगे। प्रभु,
यदि आपको उचित नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। जो होता है नियति के अनुसार ही होता है, पर ऐसा ही होता रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस आप इतना प्रयास कीजिएगा कि देवर्षि नारद इसे गुप्त रखे, किसी से ना कहें। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरिवल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए। महाभोग कैसा लगा आपको? बोलिए देवर्षि, कैसा लगा आपको प्रभु का महाभोग? परमानंद समान माँ। धन्यवाद। माथे, धन्य हो गया मैं। आपके आशीर्वाद से आज मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरी योग्यता और स्थान दोनों से अधिक है। नहीं देवर्षि, सभी उतना ही पाते हैं जिसके वो योग्य होते हैं। ये पात्र में जो शेष भोजन है मैं वो भी अपने साथ ले जाऊं माँ? पर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। है माँ, जो बचे हुए दाने हैं मैं अपने साथ ले लूंगा और धीरे धीरे उन्हें खाता रहूंगा माँ। उचित है, किंतु स्मरण रखिएगा, आपने महाभोग चखा है, ये बात केवल पुत्र और माता के बीच ही रहनी चाहिए, किसी अन्य से आप ये नहीं कह सकते। अवश्य माँ, निश्चिंत रहिए। लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण। इतना स्वादिष्ट था महाभोग कि देवर्षि नारद जी को शब्दों से उस अनुभव का वर्णन करना कठिन हो गया। तुम चखोगी तो तुम्हें भी वही आनंद प्राप्त होगा पुत्र। किंतु महाभोग तो केवल देवर्षि नारद जी को ही प्राप्त हुआ था और माता ने तो उसे गुप्त रखने को कहा था, तो फिर सभी भक्तों को महाभोग की प्राप्ति कैसी हुई और इसका माता विमला देवी से क्या संबंध था? प्रभु की कृपा से देवर्षि नारद ने भोजन का पाचन तो कर लिया, किंतु इस अनुपम अनुभव को पचा पाना उनके लिए कठिन था। संतन हितकारी I'm
कितना विश्वास था उद्धव जी को कि जो महाभोग महादेव और ब्रह्मदेव को भी नहीं मिला वो मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा, किंतु मैंने तो उसे प्राप्त कर लिया। आहा, ऐसा परमानंद, ओहो, बस इन्हें बता दूं क्या? किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। लक्ष्मी नारायण, किसी से कुछ नहीं कहना है, गुप्त रहना है। किसी से कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी नारायण। देवराज को ज्ञात होने पर उनके मुख का भाव देखने में कितना आनंद आएगा। प्रणाम देवऋषि। नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। रुका तो फिर इस बात को गुप्त नहीं रख सकूंगा। क्या हुआ देवऋषि? आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या बात है? देवऋषि, कुछ तो अवश्य। आपके मुख के भाव, आपकी भाव भंगिमा आज कुछ भिन्न है। जैसे प्रसन्नता। उस प्रसन्नता के अतिरिक्त का भाव है परमानंद का अनुभव ही ऐसा होता है। परमानंद? आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं? नहीं। देवऋषि, मुझे ज्ञात है आप किसका उल्लेख कर रहे हैं। आपको ज्ञात है? आपके परम आनंद का कारण मुझे ही नहीं सभी को ज्ञात है। सभी को पता है? प्रभु के श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर की स्थापना और इस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित। सत्य सत्य। तभी तो उन्होंने कैलाश में आनंदोत्सव रखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलेंगे? क्यों नहीं? इतना शुभ अवसर और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी वहीं पे जा रहा था। आइए। लक्ष्मी नारायण। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना का ऐसा आनंद। अनुपम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम इंद्रदेव। जिनसे समस्त संसार में आनंद का संचार होता है उन्हें इतना आनंदित हमने भी अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लगता है परम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्रभु। परम आनंद का अनुभव यदि किसी को हुआ है तो मैं हूं। कैसा परम आनंद देवऋषि? आप पहले भी कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं कब? प्रणाम महादेव। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आपको क्या लगता है इससे अधिक आनंद का अनुभव हो सकता है? लक्ष्मी नारायण, उनके नाम के उच्चारण में भी परमानंद है। उनका नाम तो ताड़ने वाला है। हाँ। भक्ति हो, सुमिरन हो या दर्शन, सभी में परम आनंद है। कहिए देवराज इंद्र, क्या इससे अधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कहिए देवर्षि नारद,
इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग। व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। क्या अभी भी आपके पास प्रभु का महाभोग है? मुझे क्षमा करना पार्वती, मैंने प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग अकेले ही चख लिया। अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप अपना महाभोग किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि आपने तो वो दे दिया देवर्षि नारद को।